दोस्तों, वेलकम टू पावर एसएम। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हम ड्राइव करेंगे महिंद्रा की ऑल न्यू बुलेरो नियो को। आज हम देखेंगे कैसे ये रोड पे ड्राइव होती है, कितना ज़्यादा कंफर्टेबल सस्पेंशन आपको इसमें दिए गए हैं। जो आपको इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है वो 3 सिलेंडर डीजल इंजन है, लेकिन जो उसकी पावर फिगर है वो 100 BHP के। लेकिन आज हम देखेंगे कि कितना वो पावर प्रोड्यूस करता है, कैसी उसकी ड्राइवेबिलिटी है, कितना ये गाड़ी माइलेज देती है। और डिज़ाइन तो आप गाड़ी का देख ही रहे हैं, बिल्कुल अभी पीछे गोल्डन टाइम चल रहा है और अभी जो इसका पॉल वाइट कलर है वो बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है, डिज़ाइन आप देख सकते हैं इसका पूरा। तो अभी हम सीधे चलते हैं ड्राइवर सीट पे और आपसे शेयर करते हैं कैसे ये गाड़ी ड्राइव होती है। कैबिन काफ़ी अच्छा है, गाड़ी की जो सीटिंग हाइट है ये स्कॉर्पियो से इंस्पायर्ड की गई है, बहुत ही ज़्यादा हाई सीटिंग हाइट है इस गाड़ी की। तो आइए चलते हैं सीधे ड्राइविंग पे। इसमें आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो मिलता है, ये आपको 3 सिलेंडर का डीजल इंजन ऑफर किया गया है। बाकी ये अभी इसका फर्स्ट गियर है, तो अगर आप इसके कैबिन में जो साउंड है वो सुनेंगे, अभी इसका सेकंड गियर मैंने इंगेज कर दिया है, डोर्स इसके ऑटो लॉक हो गए और जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी स्मूथ आपको लगने वाला है। ये एमहॉक सीरीज़ का इंजन है इनका। बाकी अभी हम करीब 80 KMPS तक रीच करने वाले हैं और उसके बाद ये आपको कुछ इंडिकेशन देगा। तो देखिए 80 KMPS की स्पीड हो गई है, आपको स्पीड वार्निंग देगा। मैं अगर इसके फ़ैन को पूरा बंद कर देता हूँ तो इतनी कुछ आपको कैबिन में आवाज़ आने वाली है। अभी करीब इंजन इसका 3500 RPM पे था, अभी ये फोर्थ गियर में इंगेज कराया तो करीब 2500 RPM पे इंजन आ गया है। ये जो मैक्सिमम पावर बनाता है ये 100 BHP की बनाता है 3750 RPM पे और 260 Nm का मैक्सिमम टॉर्क है 1750 RPM पे। तो अभी करीब हम 2500 RPM पे चल रहे हैं और 70 के आसपास इसकी स्पीड है। आगे तक चलते हैं क्योंकि अभी ओपन हाईवे है और क्योंकि देखिए ये जो गाड़ी है ना ये बॉडी ऑन फ्रेम चेसी पे आती है, जैसे आपको बुलेरो मिलती है, थार, स्कॉर्पियो, तो ये गाड़ी रफ एंड टफ रहती है, मतलब आप गड्ढे में डालिए या फिर कहीं भी डालिए। लेकिन अगर आप इनको कॉर्नरिंग करते हैं तो थोड़ा सा इनमें आपको रोलिंग फील होगी, तो वो इनका नेचर है इन गाड़ियों का। स्टेयरिंग आपको इसमें हाइड्रोलिक मिलता है तो थोड़ा आपको, अभी तो मुझे कुछ भी इसमें हैवी फील नहीं हो रहा क्योंकि स्पीड अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ट्रैफिक में आपको थोड़ा थार के मुकाबले, जैसे थार में बहुत रिफाइन स्टेयरिंग दिया है उसे थोड़ा सा आपको हैवियर लगेगा, लेकिन ठीक है। अभी करीब 2000 RPM पे हम चल रहे हैं और 60-62 की स्पीड है इसमें भी और फोर्थ गियर हमने इंगेज किया हुआ है। ओवरटेक अगर आप करेंगे इसमें तो ओवरटेकिंग में भी आपको किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी रोल फील नहीं होने वाला है। तो जैसे महिंद्रा ने इस गाड़ी को एज अ फैमिली कार लॉन्च करा है तो वो इनका बहुत बढ़िया स्टेप मैं कहूँगा, क्योंकि TUV को इन्होंने बहुत पहले, अभी BS6 इसका अपडेट आया ही नहीं इंडिया में, तो काफ़ी लोगों को था कि उनको एक फैमिली कार चाहिए थी जो कि थोड़ी रफ एंड टफ हो, और ये गाड़ी क्योंकि रियर व्हील ड्राइव के साथ आती है जो कि इंडिया में इस सेगमेंट में कोई भी आपको ऑफर नहीं करता है। और टॉप मॉडल अगर आप ले लेते हैं N10 ऑप्शनल तो उसमें आपको MTT मिलता है, जो वही थार वाले गुण आपको सारे मिल जाएंगे, यानी कि ऑफ रोड कर लीजिए, ख़राब रास्ते में चले जाइए तो वो अच्छी बात है। इसमें आपको डेड पेडल नहीं मिलता है, जो नीचे थोड़ा सा आपको पैर को क्लच से उठा के रखना पड़ेगा वो थोड़ा आपके लिए हो सकता है, बट ये है गाड़ी का पूरा एक्सपोजर। जो व्यू आप देख रहे हैं, कैमरे को थोड़ा दाएं बाएं भी करते हैं, बहुत अच्छा खासा स्पेस है गाड़ी में, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम इसका यू टर्न ले लेते हैं। अभी तो जैसे हम हाईवे में इसको ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे ऑफ रोडों में ले जाए या फिर गाँव में चलाते हैं और कॉर्नरिंग वो बात करेंगे, इसकी जो कॉर्नरिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। स्टेयरिंग आपको जो ट्रैफिक स्पीड है यहाँ पर थोड़ा लगेगा कि हाँ थोड़ा सा हैवियर साइड में, लेकिन कंट्रोलिंग आपको बहुत शानदार देता है क्योंकि ये हाइड्रोलिक स्टेयरिंग इसे कहा जाता है। और इसको अगर आप फुल देते हैं तो ये आप इसके कुछ इंजन की पूरी साउंड सुन सकते हैं जो कि रिफाइंड है। एमहॉक सीरीज़ का इंजन है, वो रिफाइंड ही रहता है। ये सेकेंड गियर और ये इसका आप थर्ड गियर देख रहे हैं। मैंने इससे पहले अल्कज़ार ड्राइव की थी, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा ही रश जो फील हुआ था वो मुझे हुआ था। अभी 80 की स्पीड इसने रीच कर ली बहुत ही आसानी से, मतलब आप देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा वो आपको पूरा वो देती है, एक कंट्रोल जो है वो है। एक बार हम इसके जो सारी की सारी जो 7 की 7 सीट्स है उसको भी ट्राई करेंगे अपनी महिंद्रा की टीम के साथ कि कितना उनको कम्फर्ट फील हो रहा है, वो भी हम आगे आपसे शेयर करेंगे। बाकी व्यू की बात करें, कॉर्नरिंग की बात करें तो गाड़ी बिल्कुल शानदार बनाई है इनने।
माइलेज जो कंपनी इसका क्लेम कर रही है ये 17.2 के MPL का कर रही है, और रियल लाइफ में अभी तो ये 10 का आपको शो कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको नॉर्मली क्रूज़ करते हुए भी चलाएंगे तो करीब आपको ये 15 से 16 का माइलेज दे देगा, और जैसे मैं अभी चला रहा हूँ ऐसे तो आपको ये 10 11 ही देने वाला है, क्योंकि अभी मुझे आपको ये भी दिखाना है कि इनका इंजन अभी कितना स्मूथ हो गया है। जो परफॉर्मेंस आपने देखी थी वो महिंद्रा की थार से ही मैंने गौर करी है, जो स्मूथनेस आई है डीजल इंजन्स में, खासतौर पर BS6 जो इंजन आ रहे हैं वो काबिले तारीफ है, क्योंकि पहले से लोग डीजल में स्मूथनेस ना होते हुए पेट्रोल को लेना पसंद करते हैं, लेकिन जो पेट्रोल आजकल स्मूथनेस दे रहे हैं वो डीजल भी देने लग गए हैं, वो बहुत अच्छी बात हो गई है BS6 के कारण। अभी थोड़ा सा इवनिंग आ रहा है, रश आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिल रहा है, जिससे आप सबको जिसका एक रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है वो देख सकते हैं। और AC अभी इसका आई थिंक दूसरी फैन स्पीड पे वर्क कर रहा है। क्लच का जो इसका पूरा ट्रैवल है वो भी ज़्यादा नहीं दिया, बिल्कुल लाइट क्लच दिया गया है इसमें, बस एक डेड पेडल आपको नहीं मिलेगा आपके पैर को रखने के लिए। आगे से देखिए बिल्कुल रॉन्ग वे आ रहे हैं, तो ये तो कुछ थी बुलेरो नियो। अब जैसे आपने बुलेरो ड्राइव की होगी वही सेम आपको इसमें भी फील होगा, क्योंकि इंजन ज़्यादातर दोनों में सिमिलर ही है। ये देखिए बिल्कुल किसी भी प्रकार का रोल ओवर आपको इसमें फील नहीं होता है, इजीली आप कर सकते हैं। थर्ड गियर में भी अच्छा खासा इसमें पूरा पंच रहता है इंजन में। ये देखिए बिल्कुल ईजिली आप कर पाएंगे। अब मुझे कभी इसका थोड़ा टाइम रहता तो मैं आपको इसकी जो और साउंड जो आप इसकी सुन पा रहे हैं, 80 की स्पीड इसमें रीच हो जाती है, और फोर्थ गियर आप लगा लीजिए इजीली, तो ओवरटेकिंग के लिए थर्ड गियर बहुत बढ़िया है इसमें। ब्रेक के मामले में इसमें आपको ABS EBD दोनों दिया गया है, जैसे गाड़ी ऊंची है तो कॉर्नरिंग ब्रेकिंग कंट्रोल भी ऑफर किया गया है, तो सेफ्टी वाइज सब है। बाकी दो एयरबैग आपको इसमें मिलेंगे बेस वेरिएंट्स भी। फोर्थ गियर ये इसका दिया गया और ये है इसका फिफ्थ गियर। फिफ्थ गियर में करीब 2000 RPM पे है इंजन, और अभी 75 या 70 के आसपास इसकी स्पीड है, तो क्रूजिंग के लिए ठीक है ये, यानी कि अगर आप 70 पे भी क्रूज़ करते हैं तो इंजन अभी करीब 1750 RPM पे है, जहाँ पर ये अपना मैक्सिमम टॉर्क अभी दे रहा होगा, जैसा ब्रोशर में लिखा गया है 260 Nm का। तो ये आप देखिए बिल्कुल जो व्यू है, पीछे का व्यू देख सकते हैं, अच्छा खासा है इसमें। और कभी हम इसको दिन में लेके चलेंगे वहाँ आपको पूरी इसकी पूरी जो कैपेबिलिटीज़ है जो इसकी ये गाड़ी कर सकती है वो आपसे शेयर करेंगे। स्टेयरिंग में आपको किसी भी प्रकार की इसमें वाइब्रेशन फील नहीं होगी, बिल्कुल स्मूथ है स्टेयरिंग। डीजल इंजन 3-सिलेंडर है, हमें लगता है कि वाइब्रेट करेगा, क्योंकि 3-सिलेंडर के इंजन को हम ऐसा ही सोचते हैं कि वो वाइब्रेशन आपको देगा, लेकिन महिंद्रा ने ऐसा ट्यून इसको किया है कि वाइब्रेशन नहीं है इसमें, साइलेंट है बिल्कुल। बस थोड़ा अगर आप लोअर इंजन RPM पे रहते हैं तो गियर लीवर पे आपको हल्की सी इसमें नमनेस फील होगी, जो कि डीजल इंजन में रहती है ज़्यादातर। और ये थोड़ा इंक्लाइन था, अब जैसे हम डाउन में जा रहे हैं और गाड़ी की जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी है, जिससे रोड का आपको बहुत आगे तक व्यू मिलता है, आपको ज़्यादा इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने फर्स्ट गियर इसका इंगेज करा है तो बहुत ही ईजिली ये उड़ जाती है, मतलब कुछ दिक्कत ही नहीं है। ये देखिए कि झटका नहीं लेगा इंजन, मतलब ऐसा जो हेजिटेशन आपको फील होती है ना पेट्रोल इंजन में वो डीजल में फील नहीं होती है, बिल्कुल शानदार तरीके से। और स्टीयरिंग भी बिल्कुल बॉडी के साथ मतलब एक ही लाइन पे है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना है। सेल्फ सेंटरिंग भी ठीक है इसका, तो बुलेरो नियो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप एक फैमिली SUV लेना चाहते हैं, बिल्कुल एक रफ एंड टफ जो आपको फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी दे, महिंद्रा का आपको एक भरोसा मिले, जो मेंटेनेंस पार्ट है वो भी अच्छा हो, तो अच्छा आपके लिए ऑप्शन रहने वाला है। अभी हम पहुंचने वाले शोरूम में, तो ये है हमारा आगे आने वाला है।
मतलब शहरों में, पहाड़ों में, गाँव में, कहीं भी आप इस गाड़ी को चला सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पहुँच गए हम शोरूम में महिंद्रा के, जो कि यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। तो आप बताइए आपको क्या इसका पूरा एक जो व्यू मिल पाया कैसा है, और अगर आपने भी अभी कुमार ऑटो व्हील्स में आके टेस्ट ड्राइव नहीं लिए तो आप आ सकते हैं और अपना जो एक्सपीरियंस है हमसे शेयर कीजिए। अभी हमारे साथ है सुमित जी, तो वो आपको बताएंगे क्या इसके पूरे फीचर इन डेप्थ में अगर आप उनसे मिलते हैं तो। और बाकी गाड़ियाँ भी आपको मिल जाएगी, थार आपके पास है, XUV 500 अभी ऑन सेल है, लेकिन बट अभी जो XUV 700 आने वाली है वो महिंद्रा की तरफ से बिल्कुल एक ख़तरनाक प्रोडक्ट होने वाला है, उसका भी हमें बेसब्री से इंतज़ार है, तो उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं शोरूम से। ये पहुंच गए हम शोरूम में, देखते हैं यहां पर लगी है थार्स। जैसे आप इसका रिवर्स गियर इंगेज करते हैं तो ये कैमरा नहीं दिया इन्होंने, लेकिन सेंसर है, और ये सेंसर की खास बात यह है कि ये आपको बता देता है कि कितनी डिस्टेंस में हो चीज़ है। यहाँ पे सेंटीमीटर में कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ये कुछ था हमारी थार का एक पूरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन इसे कहा जाएगा, और ठीक है। बाकी अभी हमारे साथ है सुमित जी, तो सुमित जी आपको मिल जाएंगे रुद्रपुर में, इनकी टीम है पूरी, तो वो आपको गाइड करेंगे अगर आप किसी भी प्रकार की थार के बारे में या फिर बुलेरो नियो के बारे में जानना चाहते हैं तो। सर ठीक है, बाकी दोस्तों आप मुझे बताइए आपका क्या पूरा इसका एक्सपीरियंस रहा, क्या इसका पूरा जो आपको लगा इस गाड़ी के बारे में। तो इसी प्रकार वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय, गुड बाय।